So, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एओटी चैप्टर 122 को। So, इस चैप्टर का टाइटल है टू यू 2000 सीएस अगो। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हिस्टोरिया को देखते हैं और वो पूछती है व्हाट डू यू मीन बाय गर्लिश। तो उसे कोई बताता है कि गर्लिश का मतलब होता है बीइंग अ गर्ल लाइक यू। और उसके पास एक बुक रहता है जिसमें यमीर का पिक्चर बना हुआ रहता है। मुझे वो यमीर ही जैसी लगती है, हो सकता है कोई और भी हो। और हिस्टोरिया से कोई कहता है ये लड़की तुम्हारी तरह दिखती है क्योंकि ये काइंड है और दूसरों के बारे में सोचती है। उसके बाद हमें यमीर का स्टोरी दिखाया जाता है और हम देखते हैं यमीर के विलेज पे अटैक हुआ रहता है और वहाँ के लोगों को स्लेव बना लिया जाता है और उन स्लेव्स के टंग को काट दिया जाता है। उसके बाद हम वहाँ के किंग को देखते हैं जो कि सभा बुलाता है और उन गुलामों से पूछता है कि किसने पिक्स को खुला छोड़ दिया। तो सभी गुलाम यमीर की तरफ उंगली से इशारा करते हैं और किंग कार्लफ्रीड वो यमीर को कहता है कि तुमने पिक्स को फ्री किया, जाओ अब तुम भी फ्री हो। उसके बाद हम यमीर को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रही होती है एंड उसके पीछे जंगली कुत्ते और हंटर्स पड़े रहते हैं उसे मारने के लिए। और वो गिरते पड़ते एक बड़ी से ट्री को देखती है जहाँ पर वो छिपने के लिए जाती है और जैसे ही वो ट्री के अंदर जाती है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है और वहाँ पे वो पानी में डूबती रहती है। तभी एक स्पाइनल कॉर्ड शेप का एक पैरासाइट आके उसे अटैच हो जाता है और यमीर को यहाँ से फाउंडिंग टाइटन की पावर मिलती है। उसके बाद हम यमीर को देखते हैं कार्लफ्रीड्स के सामने बैठी हुई रहती है और जो कार्लफ्रीड्स रहता है वो यमीर को यूज करता है एज अ वेपन टू एक्सपेंड हिज किंगडम। यमीर से कहता है रिवार्ड के तौर पे मैं तुम्हें अपना सीट दूंगा। अब तुम लोग समझ ही सकते हो क्या कह रहा है। उसके बाद हम यमीर को देखते हैं वो प्रेग्नेंट रहती है और 3 बच्चों को जन्म देती है। फिर किंग सभा बुलाता है और वहाँ पे उसके सारे सोल्जर्स यमीर और उसके 3 बच्चे भी रहते हैं और उसके आर्मी में से ही एक बंदा किंग पर अटैक करता है स्पीयर से और यमीर किंग के सामने आ जाती है और स्पीयर उसके हार्ट के आर पार हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे मर जाता है और उसके जो 3 बच्चे रहते हैं उसके पास जाते हैं। कार्लफ्रीड्स कहता है ये बस एक गुलाम थी और कुछ नहीं। एंड शायद से यहाँ पे एक प्लॉट होल है क्योंकि जो टाइटन से उनके गले पे जब मारा जाता है तब वो मरते हैं। उसके बाद हम यमीर को देखते हैं जो कि कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाती है। उसके बाद जो किंग रहता है वो यमीर की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा देता है और उन 3 बच्चों को खिला देता है और कहता है खाओ बच्चों, हर एक पार्ट खाओ यमीर का। यमीर की पावर्स ट्रांसफर होनी चाहिए जनरेशन टू जनरेशन और जब तुम लोग मर जाओगे तो तुम लोग भी अपने बॉडी को अपने बच्चों को खिला देना और ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। उसके बाद हमें एरिन की आवाज़ सुनाई देती है इट्स एंड नाउ और कहता है मैं इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, मुझे अपनी ताकत दो। तुम ना कोई गुलाम हो ना कोई भगवान, तुम बस एक इंसान हो। उसके बाद जी कैरन से कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो? और जी यमीर से कहता है मेरी ऑर्डर्स फॉलो करो। एरिन यमीर से कहता है तुम 2000 साल से किसी का इंतजार कर रही थी ना। और ये सुनकर यमीर रोना शुरू कर देती है। एंड बैक टू प्रेजेंट वर्ल्ड, एरिन का सर हड्डियों के थ्रू उसकी बॉडी से रिकनेक्ट हो जाता है और जो वॉल्स रहते हैं वो क्रम्बल करने लगते हैं और हम देखते हैं एरिन की जो बॉडी रहती है बहुत बड़े स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो रही है और जो वॉल्स हैं उसमें से कोलोसल टाइटंस बाहर आ रहे हैं। एंड हियर्स द चैप्टर एंड। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।